गोवर्धन सात कोसीय परिक्रमा मार्ग में अब ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है महंगा। गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग में एनजीटी कोर्ट में जाम लगने के कारण करीब 400 ई रिक्शा के पास बनाए गए हैं, लेकिन इलाके में बिना पास के भी कई ई रिक्शा चल रहे हैं। इन बिना पास के ई रिक्शा चालकों के पकड़े जाने पर प्रशासन करीब 6,000 से 10,000 रुपये तक का चालान काट देते हैं, जिसके कारण ई रिक्शा चालकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह चालान महंगा होने के चलते ई रिक्शा चालकों को भारी समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। हमारे यहाँ कुछ गरीब आदमी भी हैं, ट्री लेके चलाते हैं, जो परिक्रमा मार्ग में अपना यापन कर रहे हैं, तो हम गोवर्धन में लेके जाते हैं यूपी में, तो हमारी राजस्थान की ट्रियों का चालान हो जाता है। जो चालान होता है वो 5,500 और 9,000 12,000 के लगभग में होता है, और वो नकद भी भरना पड़ता है। तो यहाँ गरीब आदमी है, ये ट्री वाले 100-200 कमाते हैं, तो ये कहाँ से लाएंगे।